बस हम लोग अभी जाने वाले हैं सर, आप सीनियर हो, ऐसी करो क्या? मुझे तो गाड़ी में जो सुना निकलेगा ये गिर चुकी है पानी में। मतलब कभी कभी लगता है कि हम कितनी ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं। जैसे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सोना कैसे निकल रहा है वो देखने का। तो ये देखो सोना निकालने का काम, जमीन को खो देते हैं, पत्थरों के नीचे से निकाल रहे हैं सोना। और ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपको सोना मिल जाएगा, इसको कई बार ऐसे खो देते हैं और ऐसे रेत निकालते हैं, फिर जाकर पानी में इसको छानते हैं। इसका प्रोसेस बड़ा ही लंबा है, तब जाकर मुश्किल से 1 ग्राम या 2 ग्राम एक दिन में निकलता है। और ये सुबह से लेकर शाम तक यही करते हैं, इनका जाति भी सौंदर्य जाति है, सोना निकालने का ही काम करती है खास। भैया इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है, अगर मान लो कि यहाँ से आप ये बालू निकाल रहे हो, छान रहे हो और सोना निकाल रहे हो? उन्होंने मिट्टी निकाला था अभी खोदते हुए, उसके पार्टिकल्स में सोने होते हैं छोटे छोटे, मतलब कण होते हैं, बोलते उसको छानने के लिए आए हैं वो। और सारे ब्लॉगर्स यहीं पे हैं। उसको लोहा समझ रही थी, तो वो जो बेसिकली उसमें जो छन रहा है वो जो है, हाँ वो लकड़ी का है, सागवान का लकड़ी है ना, सागवान का है ना, दिख रहा है, दिख रहा है भाई, हमें तो नहीं दिख रहा है। ये सोना जो निकला है वो दीपक भैया के हाथ में आ गए हैं, जो पकड़ चुके हैं दीपक भैया, सोना अपने हाथों में, सोने के मालिक हो गए। ये बहुत छोटा सा, एक मिनट, ये बहुत छोटा सा पार्टिकल है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है ये। दिखाना दिखाना सोना का है, इधर दिखा, ये देख सकते हो सोना, वो देख सकते हो दोस्तों, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरे मोबाइल से, तो बहुत ही जबरदस्त। ओ माय गॉड, ये फोटो सीरियसली इतना अच्छा खींचो, ये देखो ये देखो, ये इन्होंने लिया है, ये इन्होंने लिया है, हर्ष जी ने। जोग नदी है बेसिकली, और सोनझरा ट्राइब में सोना निकाला है हम लोग को। और हम लोग अब मैं यहाँ सुकून से थोड़ा देर बैठने वाली हूँ, बहुत ही सुकून से थोड़ा देर तो बैठूंगी मैं। ये गिर चुकी है पानी में, ये लड़की गिरी है पानी में। हमारी टीम का एक सदस्य थोड़ा ज्यादा जोश से रील बनाने गया था यहाँ से, अब उसके जूते फेंके जा रहे हैं। इसका 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 टाइटल होगा, ये कौन गिरा पानी में। ये इसके चक्कर में गिरी हो, नहीं नहीं एक्चुअली वो रील के चक्कर में गिरी हो। भाई भाई तो कदे कदे दिन निकाल थस गा, कदे कदे दिन निकाल थस, रोजे निकाल थस मजा, ठीक है कतका कतका कर निकल जाते तोर हिसाब ले, रोज 100-150 के मिलते। अच्छा कतका कतका देर तक वही से तुम निकाल होगा? कोई दिन 200 के पड़ जाते, नहीं नहीं पूरा दिन दिन भर से निकाल थो तुम्हें, नहीं अब 3 बजे तक रहो, 3 बजे तक रहू और सुबह ला थो, हाँ 8 बजे, 8 बजे ला थो तुम्हें, हाँ खाओ पीते। अच्छा ये गांव खरोदी वाले गांव अभी गए रहे तिकरे, नहीं एती है एतिक गांव खरे। अच्छा अच्छा तो तब सोनझरा हरस जी, सोनझरा टाइप वाले से जी, ठीक है। अरे ये देहा एला कैसे बना थो तो तुम, हाँ इसको बोल दो जिसपे छानते हैं, एक्चुअली पूरा छोल थो तुम, हाँ ये तो बहुत मेहनत, बहुत पुराना भी लगा थे, बहुत पुराना है। अब एक बार एला मिले के बाद बेच दो थो तुम, हाँ बेच दो थो, अब इसे घर में इकट्ठा करके खुद बस सोना चांदी पर इकट्ठा कर थन, हाँ इकट्ठा हफ्ता में यह करके गुल्ला करके, हाँ हाँ सोना के पास बेच दो। अच्छा मतलब इकट्ठा कर थो, कतका जन होते तब बेच होगा, वही मिल जाते 1000 भर, नहीं तो कतका जन होते, अतका जान अतका जान, साइज देखा तो 500 मिली, तो ये लोग हिसाब नहीं लगाते डायरेक्टली जाके बेच देते हैं। अरे भैया कैसे करते, 400-500 पढ़े लिखे कतका जान है घर में, घर में तुम्हारे वो पढ़े, मोर बेटा पढ़े 8वीं तक, छोड़ दिस काबर छोड़ दिस, पढ़ रहे कहे तो नहीं पढ़ रहे कहीं, पढ़ाए भेजू पढ़ना जरूरी है,
पढ़ाए बर आगे थोड़ा बढ़ाऊ मतलब है ना, तभी तो मतलब ये काम भी जरूरी है। तुम्हें सोया निकालो तभी तो ऐसे के कैसे की के कैसे की के कहानी बन पाती जाति प्रमाण जाति प्रमाण पत्र काबर नहीं बना थे ओकरे लिए छोड़ दी ले मोर नंबर रख तो सर के नंबर रख लो मोला फोन करबे नहीं बनी तो पढ़ाना जरूरी है दो साल हो गए नहीं नहीं पढ़ाना भी जरूरी है जो भी है सर बोला ना सर के नंबर रख लो चाहते ही नहीं कि लोग ऊपर कब निकाल लेते उसका सोना छोटे छोटे हैं। अच्छा बैठा कर ना कते काम करबे बैठा और स्कूल मोर बड़े लड़की जाते हैं। अच्छा कहां कौन सी कक्षा में दूसरी में है और छोटे वाली एकदम छोटी है का अच्छा तो तुम्हारे बिहाव भी इसने घरे घर में होते का बिहाव भी ही गांव में ही गांव होते तो कदे कदे गांव है और कदे कदे करे गांव तुम्हारे मन की है। अभी मोर ससुराल बालाघाट जिला बालाघाट लिए ऊंचे है सोनझरा अच्छा बस्तर जिला में है सोनझरा अच्छा अच्छा तो वहाँ ले ससुराल आए कहा चलो बढ़िया और यहाँ ले कतका मतलब 40 परिवार है चल ठीक है और मैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है सबसे पढ़े लिखे ज्यादा तो नहीं है सब पहली दूसरी तीसरी ऐसे पढ़े पढ़े हैं। अब नहीं लड़का मन में भी अभी वो नवी आठवीं पढ़ के छोड़ दिन है काबर की छोड़े हैं मन की जाति स्थाई बन नहीं पाते। अच्छा हाँ ये पाके छोड़ दिन है। अच्छा तो हो सकता है इसके कारण एजुकेशन यहाँ से बढ़ नहीं पा रहे हैं जो 40 परिवार है क्योंकि कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है बोल रहे हैं 8th तक पढ़ के छोड़ दे रहे बोल रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा इशू है कि ये कैसे यहाँ से अब बाहर निकल पाएंगे कैसे एजुकेटेड हो पाएंगे इनको एजुकेशन मिल पाएगा। सोनार मतलब बेच देते कतका कतका कन इकट्ठा होते बाद बेचते हो गोला कतका बता तो मतलब अतका कन इकट्ठा होते अतका कन अतका कन इतना बढ़ नहीं पाए ना महीना में बस ये इतना बड़ बन पाई इतने बड़ा बोल रहे हैं कि महीने में सिर्फ इतना बड़ा इनको मिलता है ये इतना बड़ा ही इनको मिलता है। इधर निकाल दे मैं बस बैठ के इनको जर्नल से टॉक कर रही थी कि कैसे है क्या है फैमिली में कैसे है कैसे चलता है घर इनका तो इनका बेसिकली इनका घर ही इसे चल रहा है कि ये बस सोना निकाल रहे हैं और जो इनकी इनकम हो रही है दिन की 150-200 बोल रहे हैं और उसमें से इनका घर चल रहा है। मतलब कभी कभी लगता है कि हम कितनी ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं हम कितनी शिकायतें करते हैं अपनी लाइफ में घर से कि ये है ये है ये है ये कि हम कितनी ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं ना वहाँ रह के सोचो हम इतना खुश नसीब मार रही हूँ मैं अपने आप को अब इस समय जब मैं देख रही हूँ कि इतनी सुकून भरी इतनी ब्लेस्ड लाइफ है हम लोग की हमको किसी की कमी नहीं होने दी लेकिन यार यहाँ एक्चुअली में लोगों को बहुत ज़रूरत है बहुत बेसिकली अगर कुछ मिला ना एजुकेशन तो सबकी नीड होती है एजुकेशन तो सबको मिलना चाहिए और बस यहाँ आगे ना ऐसी सारी शिकायतें ख़त्म हो जा रही है लेकिन ये भी फील हो रहा है कि सारी शिकायतें भी ख़त्म हो जा रही है लेकिन ये भी लग रहा है कि एजुकेशन पे सबका हक है तो इनको एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है मिलना। और हाँ आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतना सब कुछ मिला है मेरे फैमिली में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है लेकिन अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना प्रॉब्लम देख रहे थे तो अब बहुत फील हो रहा है बहुत फील हो रहा है।